हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वंशिका। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी मैंने दो वीडियोस मेक की थी, उसमें हमने सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो आज हम करने वाले हैं अपना थर्ड एंड लास्ट मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन राइट करके रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 7x + 3/2। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इक्वेशन के सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। ये आपके पास जो भी आपका फर्स्ट नंबर होगा उसके कोफिशिएंट के साथ आपको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी पूरी इक्वेशन को, 2 से डिवाइड करूंगी। तो ये कुछ इस तरह आ गया 2x², नीचे आ गया उसके 2 - 7/2 x + 3 = 0। 3 के नीचे भी हम 2 लिख देंगे और 0 के नीचे भी हम 2 राइट कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है वो कर लेंगे। जैसे यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गए, ये नंबर बन गया x², -7/2x का कुछ नहीं हो सकता, इसे हम ऐसे राइट करेंगे। +3/2 को भी हम ऐसे ही रखेंगे। 0 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो ये भी ठीक है गाइज, यहाँ तक आपको समझ आ गया, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होगा गाइज, सेकंड स्टेप बहुत ही सिंपल है। x² - 7/2x को आपको ऐसे, इस नंबर को आपको ऐसे रखना है, आपको अपनी कांस्टेंट टर्म को, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, शिफ्ट करना है। अब मैं इसे शिफ्ट करूँगी तो ये पॉजिटिव था तो यहाँ आकर ये हो गया -3/2। ठीक है गाइस, सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया। अब थर्ड स्टेप है, वही हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले थर्ड स्टेप को करने के लिए x² - 7/2x हम ऐसे राइट करेंगे। अब क्या करेंगे, इस 7/2 को, ये नंबर जो है हमारा, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे मैं इसे करूँगी 7/2 को किससे डिवाइड, 2 से। तो मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो सबसे पहले ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ गया 7/4। गाइस, ये फिक्स रूल है कि आपके पास कोई भी नंबर होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे तो 2 था तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सेम नंबर कैसा कर दिया, कोई भी नंबर हो आपको उसे डिवाइड 2 से ही करना है। कोई भी नंबर हो, यहाँ पे भले 3 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो आपको उसे डिवाइड 2 से ही करना है। तो अब क्या आ गया, 7/4 आ गया। अब आप क्या करना, इस 7/4 को आपको यहाँ पे एज अ स्क्वायर लिखना है, एज अ स्क्वायर। ठीक है गाइस, इतना समझ आ गया आपको। आगे ये करना है इस 3/2 को, ऐसे राइट करिए -3/2 + यहाँ भी यही नंबर राइट करिए 7/4 इसका भी स्क्वायर करेंगे हम। अब गाइस, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया -3/2, इसके स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो 7 7 49 4 4 16। आगे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, सो एलसीएम लेके क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे 16 आ गया। नेक्स्ट हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -24 + 49। ठीक है गाइस, इतना यहाँ तक आपको समझ आ गया। आगे हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 49 - 24 = 25/16। अब गाइस, यहाँ तक आपको समझ आया, ये सारा हमने कैसे किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया। अब ये भी कर लेते हैं यहाँ से, तो इधर करेंगे क्या, हम इधर, हम यहाँ पे अपना एक आइडेंटिटी बन चुकी है, हम उसे ही यहाँ पे राइट करेंगे a² - b² तो x - 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, आपको इतना समझ आ गया, यहाँ पे नंबर क्या बना है, x - 7/4 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे बना है 25/16। सो गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप होगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों ही साइड पे स्क्वायर रूट अपने लगाएंगे। सबसे पहले अपना फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं x - 7/4 होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे।
नेक्स्ट वैल्यू क्या थी गाइस, 25/16 जो कि एलसीएम लेकर आई थी हमारी, इसे भी राइट कर लेते हैं। इसके ऊपर भी क्या डाल देंगे, होल स्केयर। अब क्या करेंगे, ये स्केयर इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास एक्स माइनस 7/4। इसके भी रूट सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 का रूट होगा हमारे पास 5 एंड 16 का होगा 4। साथ में यहाँ पे हम गाइस प्लस माइनस का साइन डालेंगे, प्लस माइनस का साइन गाइस आपको इसी फॉर्म में डालना है, प्लस माइनस। अब गाइस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम एक्स माइनस 7/4 को एक बार हम पॉजिटिव 5/4 लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस 5/4 लेके सॉल्व करेंगे। तो आई राइट हेयर एक्स माइनस 7/4, अब हम लेंगे पॉजिटिव 5/4, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो ये आ गया एक्स माइनस 7/4। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो 5/4 यहीं रहा, इसी साइड रहेगा। माइनस 7/4 को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो माइनस था इधर आके ये पॉजिटिव 7/4 हो गया। इसे आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम सेम है हमारे, 7 + 5 = 12 अपॉन में 4, कट करेंगे एंड आंसर इज 3। तो अभी हमने पॉजिटिव 5/4 लेके सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया है 3। अब हम नेगेटिव -5/4 लेके एक बार सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास नंबर था एक्स माइनस 7/4, इसे हमें ऐसे ही रखना है। अब हम लेंगे नेगेटिव, नेगेटिव साइन लेंगे 5/4। अब क्या करेंगे, एक्स ऐसे ही रखेंगे, इसे शिफ्ट करना, 5/4 भी ऐसे रहेगा। ये जो माइनस 7/4 है यहाँ शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड, तो ये क्या होगा, नेगेटिव था यहाँ आकर अपना पॉजिटिव हो गया। सो एलसीएम सेम है, अब ये सॉल्व हो जाएगा। 7 - 5 = + - गाइस माइनस, 7 - 5 - करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो 2/4 साइन पॉजिटिव ही आएगा, 7 के साथ बड़ा है, तो यहाँ से कट किया, आंसर इज 1/2। सो गाइस दो रूट्स आ गए हमारे पास, एक्स एंड 1/2, तो रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 and 1/2। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़।